राम राम किसान भाइयों। तो किसान भाइयों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान योद्धा में। तो किसान भाइयों आज मैं पहुंचा हूं ग्राम मनवाड़ी में, और किसान भाइयों आज मैं आपको ये मकान दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से। तो किसान भाइयों मैं अपने किसान भाइयों को जो मकान दिखाता हूं इस वजह दिखाता हूं कि आप लोग भी गांव देहात के अंदर ऐसा नक्शा बना सकते हैं। ये देखो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से मकान बना रखा है गांव देहात के अंदर। ये देखो भाइयों इधर से इसका ये फ्रंट एरिया है, और इधर से मैं आपको पूरा कवरेज करके दिखाऊंगा। ये मकान बहुत ही अच्छे तरीके से बना रखा है भैया ने, और इधर से मैं लेके जाना चाहूंगा आपको। ये राजेंद्र जी का मकान है। ये देखो भाइयों कितना बेहतरीन नक्शा है। अभी काम चल रहा है 3 साल से, और अभी 6 महीने और लगेंगे कंप्लीट होने में। तो इधर से देख लो भाइयों, ये देखो भाइयों कितना बेहतरीन नक्शा है, और इधर से ये काम चल रहा है अभी इसमें। ये देखो दोस्तों इधर से मैं दिखा दूं, यहाँ से ये मेन एंट्री और पिलर देख लो दोस्तों, इधर से मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों यहाँ पे भैया बैठे हुए हैं, तो ये खाट वगैरह बिछा रखी है। तो भैया जैसे कोई किसान आदमी खाट वगैरह ले आए, कितने का जोड़ा पड़ा है ये? तो भैया 5500 रुपये का जोड़ा लाए थे। 5500 का? ये देखो भाइयों कितना बेहतरीन डिजाइन है। तो किसान भाइयों ये बालकनी है मकान की। ये देखो भाई बालकनी है, इधर से दिखा दूँ, और जो मैं मकान वगैरह दिखाता हूँ इस वजह से दिखाता हूँ कि आप लोग भी गांव देहात के अंदर ऐसा नक्शा बना सकते हैं दोस्तों। और इधर से ये देख सकते हैं ये गांव के बाहर का रास्ता है, और इन्होंने जो अपना मकान है वो खेतों में बनाया है। ये देखो दोस्तों, ये देखो भाई इधर सूरज ढलने वाला है। एक वीडियो में काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दिया करो। ये देखो भाई इधर से देखो इनका ये मकान का नक्शा है, और इधर से देखो भाई भाइयों तैयार हो चुका है कमरा इधर साइड से, और ये पोर्शन बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, कांच चढ़वा रखा है इधर साइड में। ये देखो दोस्तों इधर साइड से, ये देखो भाई एक कमरा इधर साइड में है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से बनवा रखा है दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों ये अलमीरा बनवाई है इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखो दोस्तों, और यहाँ भी जो है ये देखो भाई ये पोर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से बनवा रखा है, लाइट वगैरह लगवा रखी है पूरी तरीके से घर के अंदर। ये देखो भाई ये किवाड़ है। ये देखो भाई तैयार हो रही है किचन। ये जिंदा तैयार हो रहा है साइड से, ये काम चल रहा है, और काफी बड़ा घर है, और पूरे गांव में इसकी टक्कर के मान भाइयों दूर दूर तक नहीं है। ये देखो भाइयों मैं टेरिस पे आ चुका हूँ। ये देखो दोस्तों सामने टावर है। ये देखो भाइयों सनसेट हो रहा है इधर साइड में। ये देखो भाइयों ये नक्शा है गांव देहात के अंदर, और मैं अपने किसान भाइयों को नक्शे इस वजह से दिखाता हूँ कि आप लोग गांव देहात के अंदर ही मकान बनाए, ना कि शहर में। ये देखो दोस्तों इधर से मैंने दिखाया, काफी सुंदर नक्शा है घर का, और ये देखो दोस्तों इधर साइड से चिन्ना है लेकिन मैंने आपको दिखाया ये पोर्शनल साइड से। और देखो दोस्तों अभी काम चल रहा है, ये बाथरूम है देखो कितना बड़ा बाथरूम है। ये देखो भाई बाथरूम है, और इधर साइड भी कमरा है जो कि अभी अभी कंप्लीट हो रहा है दोस्तों, और बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ये। ये देखो दोस्तों और अभी काम चल रहा है। तो लगभग भैया कितने दिन में तैयार हो जाएगा भैया? साल एक साल तो भी क्या चलता। अच्छा सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा भैया। राजेंद्र सिंह। पिताजी का नाम भैया? सनो पहलकार सिंह। तो ये मकान दिमाग से बनवा दिया नक्शे से? नक्शे से बनवाया। अच्छा देखो भाई ये बहुत ही बढ़िया तरीके से बनवा रखा है गांव देहात के अंदर, और मैं अपने किसान भाई को मकान इसलिए दिखाता हूँ कि आप लोग गांव देहात के अंदर ऐसा मकान बना सकते हैं, ना कि शहर में बनाएं। ये देखो दोस्तों, और इधर से मैं दिखा दूं, ये देखो भाई ये बाथरूम है, कितना बड़ा बाथरूम है। ये देखो लग्जरी घर है, और इधर साइड से मैं नीचे से दिखा दूं थोड़ा सा आपको। ये देखो दोस्तों ये जीना है जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से बना रखा है। इधर साइड में खाट वगैरह है, और इधर साइड से मैं दिखा दूं यहाँ पे कमरे वगैरह तैयार हो रहे हैं, और ये मिस्त्री है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे लगभग
काम उन्होंने कंप्लीट कर दिया ये, और अभी ऊपर छत पे काम होना है। ये स्टडी रूम है भैया का, इधर से दोस्तों इधर स्टडी रूम तैयार हो रहा है। और ये जो खाट देख रहे हैं, खाट का डिजाइन दिखा दूं दोस्तों, कितनी बेहतरीन बुनाई है। मैं अपने किसान भाइयों को हर चीज बारीक से दिखाता हूँ। ये मिस्तर जी हैं, तो ये देखो दोस्तों। तो भाई मिस्त्री कहाँ के हो आप? जानसठ के। तो आप क्या काम करते हो थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताओ। लग ये मतलब चौकट होगा या कैसे? मतलब चौकट हो, दरवाजे हो, खिड़की हो, पल्ले हो, अलमारी हो, कुछ भी दे दो आप वो काम कर दोगे मकान में बेहतरीन से बेहतरीन। अच्छा, कोई मकान आपको किसान भाई देगा तो उसे लग्जरी बना दोगे आप घर को? बना दोगे? अच्छा अच्छा। दोस्तों मिस्त्री जी का नंबर लेके जाऊंगा, कोई कॉन्टेक्ट वगैरह है आपका नंबर वगैरह? अच्छा अच्छा, नंबर देना मुझे। और दोस्तों इन्होंने कहा कि मैं जो कोई से भी कमरा दिखा दो उसे मैं लग्जरी बना दूंगा। ये देखो भाइयों, तुम्हारे काम का रखा भैया। ये देखो भाई, अभी रह रहा थोड़ा काम इसमें। लगभग कितने दिन में तैयार कर दोगे इस काम? अभी लग जाएंगे 15-20 दिन में तैयार कर दोगे बिल्कुल फुल? ये देखो दोस्तों, 15-20 दिन में तैयार कर देंगे। आप भी भैया इनके साथ में ही हो? अच्छा अच्छा, तो फर्नीचर का सारा काम करते हो आप? है अच्छा अच्छा, कोई किसान पत्थर लगवा अपने घर में वो भी लगा दोगे? अच्छा 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 अच्छा। तो दोस्तों इधर से मैं दिखा दूंगा आपको, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये भी एक कमरा है शायद। देखो भाइयों, ये मंदिर है। देखो भाइयों, मंदिर बनवाया जा रहा है इधर, पूजा अर्चना करने के लिए। मैं दिखा दूं ये, इसमें क्या तस्वीर वगैरह रखी जाएगी? क्या तस्वीर वगैरह रखी जाएगी इसके अंदर? और ये देख सकते दोस्तों, ये मिस्त्री जी हैं। और ये जो जिन्ना है मुझे काफी अच्छा लगा। और यहाँ पे एक कमरा है, काफी बड़ा कमरा। और इधर से मुर्दे हैं। और ये देखो दोस्तों, इधर से मैं दिखा दूं, इधर से अटैच ये बाथरूम है। और ऑलमोस्ट मैंने दिखाया आपको सारा मकान कवरेज करके वीडियो के माध्यम से। और इधर साइड में इनका जो है ये पशुधन है, यहाँ एक भैंस है, यहाँ एक कटिया है, ये देखो दोस्तों। और इधर साइड में ये मकान है। और किसान भाइयों, इधर साइड में चारा काटने की मशीन है। और ये देखो भाइयों, ये भैंस है, देखो टक्कर मारने के लिए बेताब है दोस्तों, अभी टक्कर मार देगी। और जी के इधर साइड में इनका पुराना घर है। देखो भाइयों, इधर साइड में यहाँ पे पुराना घर है। तो दोस्तों यहाँ से मैं दिखा दूं, ये देख सो दोस्तों, ये माँ जी ने रोटी बना ली है। तो माँ रोटी बना ली है? अच्छा, कौन से गाँव की माँ है जी? गोविंदपुर की। अच्छा, कौन से गोती हो? अधाने। अच्छा अच्छा, देखो भाई माँ अधाने है। तो रोटी क्या बनाई माँ, क्या बना ली? दाल? क्या दाल? अच्छा अच्छा, तो माँ यो कितने दिन में तैयार हो जाएगा मकान? एक डेढ़ साल में हो जाएगा तैयार मकान? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए बनते बनते? तो दोस्तों 3 साल हो चुके हैं ऐसे बनते बनते किसान भाइयों। ये देखो भाइयों, और जो कि मैंने आपको दिखाया वीडियो के माध्यम से, बहुत ही अच्छा नक्शा है। और ये भाई है, नमस्कार भाई। सबसे पहले मैं स्वागत है किसान योद्धा चैनल में, नाम जाना चाहूंगा। शुभ नाम? नाम मैंने। अच्छा, पिताजी का नाम भैया? राजेंद्र सिंह। ये आपके क्या लगते हैं भैया? पिताजी हमारे। अच्छा अच्छा, पिताजी है। तो भैया जो मकान है, लगभग अंदाजा कितने दिन में तैयार हो जाएगा ये? और 6 महीने तो और लगेंगे। 6 महीने लगे, 3 साल से तैयार हो रहा है मकान। तो ये देखो दोस्तों, इसमें रंग करवाओगे व्हाइट रखोगे? से अभी व्हाइट ही रखने। अच्छा अच्छा, देखो भाई व्हाइट ही कितना बेहतरीन लग रहा है नक्शा। ये देखो भाइयों, और मैंने आपको पूरा दिखाया वीडियो के माध्यम से। ये देखो भाइयों, पिलरों में डिजाइन देख लो, और व्हाइट बंगला है बिल्कुल। और अभी काम चल रहा है, धीरे धीरे कम्प्लीट हो जाएगा दोस्तों। और इधर साइड से मैं दिखा दूं, इधर साइड में इनके खेत खलियान है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते दोस्तों, इधर खेत खलियान है जस्ट। और यहां से देख सकते दोस्तों, ये है व्हाइट बंगला। इसको कहते हैं भाइयों किसानों का ठाट, हुक्का और खाट। देखो भाइयों, कितना बेहतरीन नक्शा है गांव देहात के अंदर। और किसान